अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के पेश नज़र CBSS ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। इन ऑनलाइन क्लासेस में हमारा क्लास K2 का सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास K2 का सोशल स्टडीज़ का। आइए हम इसको शुरू करते हैं। क्लास K2 लेक्चर नंबर 1 है हमारा। सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। यूनिट नंबर 7 आवर कंट्री पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसकी हम आज करेंगे रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, बुक पेज नंबर 36 प्लस 37 की। उसके बाद मैं आपको इसका बुक वर्क करवाऊंगी पेज नंबर 38 से 40 तक। होम टास्क आपका ये है कि आपने रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है और बुक वर्क जो है वो भी अच्छे तरीके से लर्न करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 2 की सोशल स्टडीज़ की बुक है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं लेसन नंबर 7 की, आवर कंट्री पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान। इसमें हम अपने मुल्क के बारे में पढ़ेंगे और कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसकी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके मैप के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, ये तवक्को रखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं ये कुछ सीखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के एंड पे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काबिल होंगे कि वो सीख जाएंगे। नो अबाउट आवर होमलैंड पाकिस्तान, कि अपने होमलैंड के बारे में, अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में जानेंगे वो। लर्न अबाउट नेशनल आइडेंटिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी पहचान के बारे में वो सीख जाएंगे। अब आगे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द मैप ऑफ आवर कंट्री, कि ये हमारे मुल्क का मैप है, यानी हमारे मुल्क का ये नक्शा दिया हुआ है। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, इसमें प्रोविंसेस दिखाए गए हैं, कैपिटल सिटीज़ दिखाए गए हैं, इसके अलावा कश्मीर दिखाया गया है, ये देखें। बलूचिस्तान जो है ये प्रोविंस है पाकिस्तान का, पंजाब भी प्रोविंस है, सिंध भी प्रोविंस है, KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी पाकिस्तान का प्रोविंस है, यानी पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंसेस हैं। यहाँ पे ये देखें, ये जो दिखाया गया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे कश्मीर है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी कि ये मुतनाज़ा इलाका है, कि इस इलाके की वजह से झगड़ा चल रहा है कि इंडिया वाले कहते हैं कि ये उनके मुल्क का हिस्सा है और पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से ये है कि ये कश्मीर जो है ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, इसलिए इस बात को लेके इशू जो है, झगड़ा जो है चल रहा है, इसलिए इसको मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है। इसके अलावा ये देखें, अब इनके कैपिटल सिटीज़ हैं, जैसे बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी जो है वो क्वेटा है, पंजाब का लाहौर है, खैबर पख्तूनख्वा का जो कैपिटल सिटी है वो पिशावर है, सिंध का कराची है। ये गिलगित, स्कर्दू, ग्वादर, ये जो हैं ये पाकिस्तान के सिटीज़ जो हैं ये शो किए गए हैं। इसके बाद देखें इस्लामाबाद, कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद है। ये प्रोविंसेस के कैपिटल सिटीज़ थे जो मैंने पहले बताए, अब ये पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटीज़ है वो इस्लामाबाद है। आगे देखें, द नेम ऑफ आर कंट्री इज़ पाकिस्तान, कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। ये तो स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है और हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947, कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 में मार्च से वजूद में आया, यानी अलग मुल्क की सूरत में 14 अगस्त 1947 को मार्च से वजूद में आया। और हम अपने अजीम लीडर्स की कोशिशों की वजह से, उनकी जद्दोजहद की वजह से आज एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें, ये पिक्चर दी गई है, पिक्चर से ही सब पहचान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये कायदे आज़म हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो साइन दिया गया ये लिखा हुआ है रे और है, इसका मतलब है रहमतुल्लाह अलैह, इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के बानी हैं, फाउंडर यानी बानी है, यानी पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। अब हम पेज नंबर 37 की रीडिंग करेंगे।
पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा आर द फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं ये वो पाकिस्तान के चार सूबे हैं, प्रोविंसेस यानी सूबे हैं। पाकिस्तान के ये चार सूबे हैं जिनके नाम बताए गए हैं। वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, और हमें इस पे फ़ख्र है, यानी हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। कायदे आज़म के बारे में पढ़ा, वो हमारे अजीम रहनुमा हैं जिनकी कोशिशों से आज हम अलग मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब यहाँ पाकिस्तान के चार सूबों के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे आगे आइडेंटिटीज़ के बारे में। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? इस्लामाबाद। कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है, कैपिटल सिटी जो है वो इस्लामाबाद है। उसके बाद देखिए नेशनल फ्रूट, कि हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो है, हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है। उसके आगे देखिए नेशनल पोएट, कौमी शायर, हमारे कौमी शायर कौन है? ये भी स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, हमारे कौमी शायर जो हैं लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। आगे देखें नेशनल गेम, नेशनल गेम कौन सी है? हमारी कौमी गेम जो है वो कौन सी है? वो हॉकी है। नेशनल लैंग्वेज, ये भी आप स्टूडेंट्स जानते होंगे, नेशनल लैंग्वेज जो है, कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है। नेशनल फ्लावर, नेशनल फूल जो है हमारा वो जैस्मीन है, यानी हमारा कौमी फूल जो है वो जैस्मीन यानी चंबेली है। उसके बाद देखें नेशनल एनिमल, कौमी जानवर जो है वो हमारा मारखोर है। नेशनल ड्रेस, नेशनल ड्रेस कौमी लिबास जो है वो हमारा शलवार कमीज़ है। ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और तकरीबन सभी को मालूम भी हैं। इनमें से कुछ होंगी जो आपको मालूम नहीं होंगी, आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है और याद रखना है। नेशनल ड्रिंक, नेशनल ड्रिंक शुगर केन जूस, कि हमारा कौमी जो मशरूब है वो गन्ने का रस यानी गन्ने का जूस है जो हम शौक से पीते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। उसके बाद देखें नेशनल बर्ड, कि कौमी परिंदा हमारा कौन सा है? चकोर, कि कौमी परिंदा हमारा चकोर है। ये नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो अभी हमने पढ़ी हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दिलचस्प हकीकत जो कि अब हम पढ़ते हैं। कराची वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट कैपिटल था, पहला दारुल हुकूमत जो था वो कराची था। कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत था वो पाकिस्तान था। द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू इस्लामाबाद, उसके बाद ये इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया इन 1967 में। एंड इट्स टोटल एरिया इज 906 स्क्वेयर किलोमीटर्स, और ये इसका एरिया बताया गया है कि इसका एरिया जो है 906 स्क्वेयर किलोमीटर्स है। स्टूडेंट्स ये आपको पहले तो मालूम नहीं होगा कि पहला दारुल हुकूमत जो था वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का कराची था, क्योंकि हम आप शुरू से पढ़ रहे हैं कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी था और बाद में वो जब शिफ्ट हुआ है 1967 में, इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ है, तब से इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। स्टूडेंट्स ये हमने रीडिंग की है पेज नंबर 36 और 37 की। इसमें हमने अपने मुल्क के बारे में पढ़ा है, अपने मुल्क के नक्शे के बारे में, अपने मुल्क के हीरो के बारे में पढ़ा है, कायदे आज़म के बारे में। इसके अलावा हमने अपनी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, नेशनल पोएट लामा इकबाल के बारे में पढ़ा है। ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से इनको याद रखना चाहिए। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। स्टूडेंट्स अब हम इसका बुक वर्क कर रहे हैं पेज नंबर 38 का, पर देखें लिखा हुआ है असेसमेंट। क्वेश्चन ए दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर, के जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है। सात देखें बॉक्सेस दिए गए, इन बॉक्सेस में जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है। सबसे पहले नंबर वन पे देखें पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त। ये हमने रीडिंग के दौरान भी पढ़ा है कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को मार्च से वजूद में आया है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1947। इसमें तीन ऑप्शंस दी गई हैं 1946, 1947
1948, तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वो है 1947, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। स्टूडेंट्स अब हम करें नंबर टू, देर आर डैश प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं, ये मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी समझाया है। ये थ्री ऑप्शंस पहले हम पढ़ते हैं इसकी, 4, 5, 6, और सही आंसर जो हमने पढ़ा है वो है 4, ये पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। उसके बाद नंबर थ्री पे देखें, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, के पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है, इंग्लिश है या पर्शियन है, तो इसका सही आंसर जो है वो है उर्दू, इसलिए हम इसमें टिक लगा रहे हैं। उसके बाद नंबर फोर पे देखें, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज, के पाकिस्तान के बानी कौन हैं, उनके बारे में हमने लिखना है, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज डैश अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं या लियाकत अली खान हैं, तो इसका सही आंसर है जो हमने रीडिंग के दौरान भी पढ़ा है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो यहाँ हम इसको टिक करेंगे। नंबर फाइव पे देखें स्टूडेंट्स, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज डैश, के पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, कराची है, पिशावर है या इस्लामाबाद है, तो सही आंसर इसका जो है इस्लामाबाद है, इसलिए हम इसमें टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन पार्ट बी, मैच द कॉलम्स, कि ये जो कॉलम्स दिए गए हैं जो जिसके साथ मैच हो रहा है उसको हमने उसके साथ मैच करना है, जैसे यहाँ है नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर, नेशनल ड्रिंक, नेशनल बर्ड, नेशनल गेम, इधर है चुकोर, शुगर कैन जूस, मैंगो, हॉकी, जैस्मिन। सबसे पहले देखें नेशनल फ्रूट हमारा कौन सा है, मैंगो है, तो हमने ये जो डॉट्स दिए गए हैं, नेशनल फ्रूट का ये डॉट है और ये मैंगो का डॉट है, इन डॉट को डॉट के साथ लाइन के साथ मैच कर देना है। नेशनल फ्लावर कौन सा है, ये देखें जैस्मिन है, तो इसके डॉट को हम जैस्मिन के डॉट के साथ मैच कर देंगे। नेशनल ड्रिंक शुगर कैन जूस, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड फोर, तो नेशनल बर्ड का जो डॉट दिया गया है इसको हम करेंगे इसके डॉट के साथ मैच। नेशनल गेम हॉकी है, तो नेशनल गेम के डॉट को हॉकी के डॉट के साथ हम मैच कर देंगे कि ये इसके साथ मैच हो रहा है। स्टूडेंट्स आपने भी ये मैचिंग ऐसे ही करनी है। अब हम करेंगे पेज नंबर 39। स्टूडेंट्स यहाँ देखें पार्ट सी दिया हुआ है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ए, डिस्कवर द नेशनल आइडेंटिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन द क्रॉसवर्ड गेम, कि इस गेम में पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, उसको डिस्कवर करना है आपने, उसको ढूंढना है, तलाश करना है। देखें ज़रा, जैसे कि एक मिसाल दी गई है उर्दू, उर्दू क्या है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अब आगे देखें, मैंने ऐसे ही किया, आपने भी सेम ऐसे करते जाना है। नेशनल फ्लावर कौन सा है, जैस्मिन, ये देखें अब इसको हम ऐसे ही कर देंगे, ये क्रॉसवर्ड है तो क्रॉसवर्ड गेम को हम ऐसे ही करेंगे जैसे उन्होंने एक एग्जांपल हमारे लिए दी हुई है। उसके बाद देखें ये हॉकी को किया है, हॉकी क्या है, हमारी नेशनल गेम है। उसके बाद ये देखें ये चुकोर को किया है, चुकोर क्या है, ये हमारा नेशनल बर्ड है। उसके बाद ये देखें मारकोर है, तो मारकोर क्या है, ये हमारा नेशनल एनिमल है। उसके बाद ये देखें मैंगो को क्या है, मैंगो क्या है, मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने भी ये क्रॉसवर्ड गेम ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको समझाई है। स्टूडेंट्स पहले हमने ए पार्ट किया है सी का, अब हम बी करेंगे। नाउ ट्राई टू कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स, कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको कंप्लीट करें। नंबर वन है नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है, ये उन्होंने एक आंसर दिया हुआ है जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, उर्दू, यानी कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है उर्दू है। नंबर टू पे अब हम लिखेंगे नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज, कि पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज, कि पाकिस्तान का कौमी फल जो है वो कौन सा है, वो लिखेंगे हम मैंगो। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज, कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, जैस्मिन यानी चमेली। नंबर फाइव है नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, चुकोर। नंबर सिक्स है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, कि पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है वो कौन सा है, मारकोर। स्टूडेंट्स आपने ये ऐसे ही इनको फिल करना है नीट राइटिंग में और अच्छे तरीके से इसको लर्न भी करना है।
अब हम करेंगे पेज नंबर 40। स्टूडेंट पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चन पार्ट डी दिया गया है, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ये आपका कॉपी वर्क है, ये मैं आपको खुद नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। स्टूडेंट्स आगे देखें, लिखा हुआ है ब्रश अप योर आइडियाज़, के अपने ख्यालात को जानना चमकाना विद द हेल्प ऑफ द टीचर, के अपनी टीचर की हेल्प से लोकेट द कैपिटल एंड फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इन द मैप एंड कलर देम डिफरेंटली। के नीचे जो मैप दिया गया है इसमें हमने बताना है कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी और फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इन द मैप एंड कलर देम डिफरेंटली, और इसको मुख्तलिफ कलर्स भी करने हैं। कि हमने इसमें बताना है कि कहाँ पे कैपिटल सिटी है, लोकेट उसका मुकाम कहाँ है, और बाकी जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के वो कहाँ कहाँ हैं। तो इस मैप में हम ये लिखेंगे और आप ये अच्छे तरीके से नीट तरीके से करोगे और इसको याद भी करना है आपने। उसके बाद देखें, इस्लामाबाद लिखना है हमने कैपिटल सिटी, पंजाब प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है एंड बलूचिस्तान भी प्रोविंस है। ये हमने पेज नंबर 36 पे किया था, उसके मुताबिक ही हम इसको फिल करेंगे। जैसे देखें, ये कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये है बलूचिस्तान, आप ऐसे ही इसको लिखेंगे भी। ये जो प्रोविंस है ये है सिंध, आप ऐसे ही सिंध लिखेंगे। उसके बाद ये देखें, ये प्रोविंस जो है ये है पंजाब, यानी कि ये सूबा पंजाब है हमारा। और इसके ऊपर ये देखें, ये छोटा सा जो ब्लॉक दिया गया है ये है इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान का कैपिटल सिटी, ये भी आपने ऐसे ही लिखना है। और ये है खैबर पख्तूनख्वा, अब यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के पूरे स्पेलिंग नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने जस्ट आपको KPK जो है वो लिखवा दिया है, लेकिन आपने इसके पूरे स्पेलिंग ही याद करने हैं। अब यहाँ लिखा है कलर देम डिफरेंटली, कि आपने इनको डिफरेंट कलर्स भी करने हैं अच्छे तरीके से, जैसे हमने पेज नंबर 36 में पढ़ा था और देखा था उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कलर करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा सोशल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने रीडिंग एक्सप्लेनेशन की, उसके बाद हमने इसका बुक वर्क किया है। आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और बुक वर्क जो है अच्छे तरीके से लर्न करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।